हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइम्स इन सीपीयू शेड्यूलिंग। ये आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर आते हैं वो आपको सबसे पहले इन टाइम्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अराइवल टाइम से। अराइवल टाइम का मतलब क्या है? द टाइम एट विच अ प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू और द रेडी स्टेट। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा टाइम जहां पे एक प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर एंटर करता है, उस टाइम को हम बोलते हैं अराइवल टाइम। बर्स्ट टाइम, दैट इज द सेकंड टाइम, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू। मतलब ये टाइम ड्यूरेशन है, इट इज द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन द सीपीयू। अराइवल टाइम क्या है? टाइम मतलब किस टाइम पे सीपीयू है। लेट्स से इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अगर मेरे को बैंक में जाना है, मेरे को डिपॉजिट करने जाना है मनी, तो मैंने क्या किया, 11 बजे मैं बैंक के अंदर एंटर किया, तो यानी अराइवल टाइम वहां पे क्या है, 11 o'clock। दूसरा बस टाइम, बस टाइम मतलब कि मेरे को डिपॉजिट करवाने के लिए कितना टाइम लगेगा, और वो टाइम किस पे डिपेंड करता है, उस क्लर्क पे, जो बंदा वहां पे बैकएंड पे बैठा हुआ है, जो मेरे से पैसे लेके और मेरे अकाउंट में कैश को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब बस टाइम जो है वो डिपेंड करता है सीपीयू के ऊपर कि सीपीयू कितना टाइम लेगा उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। तो प्रोसेस खुद भी बता सकता है, लेट्स से कि मैंने बोल दिया कि मेरे को 15 मिनट लगेंगे पैसे को डिपॉजिट करवाने में। तो यहां पे बर्स्ट टाइम क्या है, ड्यूरेशन है, और अराइवल टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है जब मैं बैंक के अंदर गया। तो लेट्स से कि 11 बजे मैं गया, तो 11 बजे क्या है यहां पे, अराइवल टाइम। थर्ड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम फिर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड। मतलब मैं 11 बजे एंटर किया, 15 मिनट मेरे को लगने थे पैसे जमा करवाने के लिए, लेकिन मैं 12 बजे बैंक से बाहर आया, तो यानी मेरा कंप्लीशन टाइम क्या है, 12 o'clock। कंप्लीशन टाइम ड्यूरेशन है, कंप्लीशन टाइम इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक्चुअल में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में गलती कर लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो बर्स्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम इज अ ड्यूरेशन, बट अराइवल टाइम एंड कंप्लीशन टाइम इज नॉट अ ड्यूरेशन, इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द प्रोसेस गेट कंप्लीटेड। उसके बाद आता है टर्न अराउंड टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं गेट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि टर्न अराउंड टाइम कितना आया या वेटिंग टाइम कितना आया। तो टर्न अराउंड टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, पूरा टाइम। मतलब मैं 11 बजे बैंक के अंदर एंटर किया, मेरे को पता है कि 15 मिनट लगने हैं पैसे डिपॉजिट करवाने में, लेकिन मैं बैंक से बाहर कितने बजे आया, 12 बजे। तो यानी टर्न अराउंड टाइम क्या है, 12 माइनस 11, मतलब 12 माइनस 11, दैट इज 1। मतलब मेरे को पूरा एक घंटा लगा, दैट इज 60 मिनट्स आई हैव टेकन। तो वो 60 मिनट्स क्या है, टर्न अराउंड टाइम। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड में आ रहा होगा कि यार 15 मिनट लगने थे पैसे जमा करवाने में, तो मैं 60 मिनट वहां पे क्या किया, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज द वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। आपको ये फॉर्मूलाज जो है ये आपको याद रखने हैं, लेकिन आपको याद मतलब क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से एग्जांपल से इसको समझ सकते हो। अब मैं बात करूं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब क्या है, हमने टर्न अराउंड टाइम क्या निकाला था कि 12 o'clock मैं बैंक से बाहर आया, और मैं गया कितने बजे था, 11 o'clock। तो यानी मेरा टोटल टाइम मैं बैंक के अंदर कितना स्पेंड किया, मतलब पूरे टाइम जो है, टोटल टाइम मैंने बैंक में कितना स्पेंड किया, 1 hour। 1 hour मतलब 60 मिनट्स भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन वेटिंग टाइम यहां पे क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। मतलब टर्न अराउंड टाइम क्या है, 60 मिनट्स। मैंने 60 मिनट्स जो है वो बैंक के अंदर स्पेंड किए, लेकिन उसमें से यूजफुल टाइम कितना है, यूजफुल टाइम तो क्या था कि मेरे को पैसे डिपॉजिट करवाने, और पैसे डिपॉजिट करवाने में कितना टाइम लगना था, 15 मिनट। तो यानी मेरा बर्स टाइम क्या था, 15 मिनट्स। लेकिन 60 माइनस 15, दैट इज 45 मिनट्स।
तो मैंने 45 मिनट्स वहां पे क्या किया, 45 मिनट्स यहां पे क्या आ रहा है, वेटिंग टाइम। अब ऑब्वियसली अगर हम बैंक में जाते हैं 11 बजे में एंटर किया तो जरूरी नहीं है कि वहां पे जाते ही हो सकता है वहां पे क्यू लगी, ऑलरेडी देयर इज अ क्यू, तो मेरे को क्यू में वेट करना पड़ेगा, मुझे फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्लर्क के पास गया और वहां पे मैंने अपना फॉर्म सबमिट करवाया, और लेट्स सपोज कि जब जैसे ही वो मेरे फॉर्म को सबमिट करने लगा था या प्रोसेस करने लगा था, इतने में मैनेजर ने कॉल कर लिया या मैनेजर ने उसको बुला लिया या उसकी कॉल आ गई, मतलब वहां पे मेरे को जो आइडल टाइम लगना था 15 मिनट वो नहीं लगा, मेरे को उससे कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। ऐसे ही अगर मैं नॉर्मल प्रोसेसेस के टर्म में बात करूं तो प्रोसेसेस जो है वो जनरली दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, मतलब बाउंड जो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है सीपीयू बाउंड, एक होता है आईओ बाउंड, इनपुट आउटपुट बाउंड। सीपीयू बाउंड का मतलब क्या है कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है सीपीयू के ऊपर, वो पहले ही बता देता है कि मेरे को 10 मिनट लगेंगे एग्जीक्यूट होने में। तो यानी ये 10 मिनट क्या है, प्योरली सीपीयू का टाइम है, मतलब वो 10 मिनट सीपीयू लगाएगा उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन सीपीयू टाइम के अलावा कई बार प्रोसेसेस के इनपुट आउटपुट टाइम भी होते हैं। इनपुट आउटपुट टाइम का मतलब क्या है कि एक सी का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, एडिशन का कोई फंक्शन है, सबट्रैक्शन का फंक्शन है, लेकिन उसमें एक वहां पे मैं कोई फाइल को रीड करना है, मतलब कोई एक फाइल है जो हार्ड डिस्क में पड़ी है उस फाइल को रीड करना है, या मुझे प्रिंटर या स्कैनर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करना है, तो सीपीयू बोलेगा कि अगर तुझे वो काम करना है जाके तो वो काम तू करा, फिर मेरे पास दोबारा आई हो। तो यानी मतलब ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एक प्रोसेस सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन उसने बीच में वो प्रोसेस जो है वो चला गया किसके पास, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और जब वो वापिस आया तो यानी यहां पे भी मेरा कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग गया, दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। और उस वेटिंग टाइम को निकालते कैसे हम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, मतलब पूरा टाइम सिस्टम में मैं कितनी देर रहा लेकिन आइडली मेरे को कितनी देर तक रहना चाहिए था, अगर मैं उस चीज को माइनस करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, वेटिंग टाइम आएगा। और लास्ट इज अ रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि पहले तो फॉर्मूला देख लो, द टाइम एट विच अ प्रोसेस गेट सीपीयू फर्स्ट टाइम, मतलब सीपीयू पहली बार कब मिला, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन नहीं आई, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, सीपीयू पहली बार कब मिला, माइनस अराइवल टाइम, कब वो अराइव हुआ था। मतलब मैं बैंक में 11 बजे एंटर किया तो 11 o'clock क्या है मेरा अराइवल टाइम, लेकिन अराइव करते ही मेरे को क्लर्क मिल गया, या मेरा जो मैंने कैश डिपॉजिट करवाना था वो डिपॉजिट होने लग गया, नहीं, वहां पे हो सकता है मैं क्यू में लगा हुआ था, मेरे को क्यू में जैसे ही मैं लगा मेरे को कुछ टाइम बाद क्लर्क के साथ मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, तो मैंने उसको जो है वो फॉर्म दिया, तो वहां पे मेरे को पहली बार क्लर्क कब मिला, मतलब पहली बार मेरे को सीपीयू कब मिला, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम जो है ये भी कई बार हमें एग्जाम्स में आता है कि रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो इन क्वेश्चंस, इन जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने भी इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, उन एल्गोरिदम्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इन टाइम्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।